बांदा बबेरू शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिया धरना। बांदा में उत्तर प्रदेश शिक्षक कर्मचारी अधिकारी संघ शिक्षक के पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 6 फरवरी से 12 फरवरी तक शिक्षक ताला बंद कर धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि बांदा जनपद के बबेरू तहसील पर शिक्षक कर्मचारी अधिकारी अपनी पूरी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तहसील परिसर पर कमा सिंह बिसंडा और बबेरू ब्लॉक के सभी शिक्षक विद्यालय का ताला बंद कर धरने पर बैठ गए। शिक्षकों की मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इस मौके पर सभी विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिका धरने पर बैठी रही और नारेबाजी करती रही। रिपोर्ट, रामू तिवारी, बबेरू। और उनको देना ही पड़ेगा। क्या स्कूल बंद करके धरना कर रही हैं? जी, स्कूल बंद है। कहाँ पर बैठी हैं? हम यहाँ पे बबेरू तहसील पर बैठे हैं। ठीक। ये कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 6 से लेकर 12 तारीख तक पुरानी पेंशन बहाली हेतु धरना प्रस्तावित है, जिसके तहत बबेरू तहसील में धरना आज से शुरू किया गया। क्या क्या मांगे रखी गई इसमें? इसमें केवल एक सूत्री मांग है, पुरानी पेंशन बहाली। 24 तारीख को, 24 नवंबर को सरकार द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें एक समिति बनाई गई, जिसके तहत 2 महीने का समय दिया गया था कि 2 महीने के अंदर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। 2 महीने पूरे हो गए, सरकार ने बिल्कुल हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। अंत में मजबूर होकर हमें ये धरना देना पड़ा। क्या स्कूल बंद करके धरना दे? पूरे स्कूल में तालाबंदी है, संपूर्ण प्रदेश का संपूर्ण विभाग बंद है। ठीक है, यहाँ पर ये धरना हमारा पुरानी पेंशन बहाली का एक सूत्री मांग को लेकर चल रहा है। इसमें प्रदेश के 110 के आसपास संगठन इस पर प्रतिभाग कर रहे हैं, राज्य सरकार के और हमारे प्रसिद्धि विद्यालयों की संबंध। क्या मांग रखी गई इसमें? मांग इसमें केवल एक सूत्री एक ही मांग है कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए। 2004 में एक आर्डिनेंस के विधेयक के जरिए, ये 2004 में तत्कालीन माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार द्वारा इसे समाप्त किया गया था। हमको एक घुनघुना थमाया गया था कि नई पेंशन योजना आपको लागू की गई, 15 वर्षों में हमने देख लिया है इस नई पेंशन योजना में हमारी धनराशि को जो है, जो लोग रिटायर हुए हैं उनको भी कुछ नहीं मिला है। यह नई पेंशन की जो योजनाएं हैं वह हमारे लिए हितकर नहीं साबित हुई है, इसलिए हम पुरानी पेंशन की मांग। कब से कब तक रखेंगे ये हड़ताल? यह हड़ताल 6 से 12 तक तो रहेगी। कैसे? और यदि नहीं सरकार ने मानी तो अनिश्चित काल को हड़ताल रहेगी। क्या इसमें दोषी सरकार को माना जा रहा है? दोषी सरकार है ही तो, हम लोग कर्मचारी हैं उनके, दोषी सरकार नहीं तो क्या, इसमें कर्मचारी दोषी है। हम लोग अपने कोई वो तो भीख थोड़े मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। शुभ नाम क्या है आपका? मुझे मैया दीन यादव के नाम से जानता हूँ।